जी हाँ फ्रेंड्स, पटना जू गेट हम आ गए हैं और अब ट्रेन को बुकिंग कैसे करना है। जंगल के राजा शेर के बाद सबसे पहले हम लोग पहुँचने वाले हैं। ठंडे इलाके में पाया जाता है, इंडिया नेपाल भूटान वगैरह भोजन करता है और फाइट में भी, और इसका अच्छा ख्याल बड़ा जो है रेप्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। फिलहाल हम लोग पटना के एक बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट विजिटेड साइट पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना जू, जिसको संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 1973 का एस्टैब्लिश ये जू रॉयल बंगाल टाइगर्स वगैरह के लिए बहुत मशहूर है। आने का टाइम है 5:00 ये खुल जाता है, लेकिन विजिटर्स के लिए 8:00 से ये रेडी हो जाता है और 6:00 तक यहाँ पे आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। मंडे के दिन ये क्लोज रहता है और यहाँ पे मुख्तलिफ जानवर वगैरह भी है। अभी हम चलते हैं अंदर, चल के दिखाते हैं। प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह वो सब अलाउ नहीं है, सहलेंगे थोड़ा सा। जो रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो कीजिए। पार्किंग का भी माकूल इंतजाम है, उसके बाद आप तरह तरह के जानवर को देख सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द पटना जू। अभी मजा आएगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का गेट हम आ गए हैं और अब हम यहाँ पे टिकट देते हैं और टिकट देके जाएंगे। देखिए ऑलरेडी हमने टिकट ले लिया है। अडल्ट के लिए 30 रुपीज है और बच्चों के लिए 10 रुपीज है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जू के अंदर में। और देखिए थैंक्स फॉर विजिट अगेन, इस तरह से आप आते हैं और आके फिर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ रहे हो आप, यहाँ पे तरह तरह के गार्डन्स मतलब फ्लावर्स वगैरह भी है। ये देखिए पर्पस के स्टडी के पर्पस से भी आप जो है इसको घूम सकते हैं। बोटनी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं प्लांट्स में पौधों वगैरह में, उन लोगों के लिए भी बेस्ट प्लेस है टू विजिट। और ये देखिए खूबसूरत सी ट्रेन भी आ रही है, इस पर आप टिकट करा के बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेन को आप बुकिंग कैसे करना है, इस पर कैसे बैठते हैं और क्या है, कहाँ से चलती है। मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन ये पटना में ये ट्रेन चलती है, पटना जू में, इस पर आप बैठ के घूम भी सकते हैं। देखिए बहुत ही धीरे धीरे आराम से चल रही है। इसके अलावा जो है गाड़ी भी चलती है। चलिए भाई, ये बहुत ही अच्छा है, इससे सहूलत हो जाता है कि पूरा जू जो है आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अभी पूरी ट्रेन फुल हो चुकी है, सेकंड लॉट पे हम लोग बैठते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको कौन कौन से जानवर यहाँ पे है। कहाँ से आते हैं? ट्रेन का जो टिकट काउंटर है वो इस तरह का है, जहाँ पे आप चाइल्ड के लिए 20 रुपीज है अप टू 3 फीट हाइट और अडल्ट के लिए 30 रुपीज में, इस तरह काउंटर है जहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके अलावा बैटरी के लिए भी अलग काउंटर बना हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कौन से किस पे हम लोग बैठते हैं, आइए देखते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये गाड़ी बुक कर लिया है 650 रुपए में। आप पूरी गाड़ी को रिजर्व भी कर सकते हैं, उसके अलावा शायद 50 या 55 रुपए है, सिंगल आप बैठ सकते हैं। अभी लोग बैठते हैं और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं पटना जू को। आ जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग बैटरी गाड़ी पे चल रहे हैं और घूम रहे हैं और देखिए कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। ट्रेन की पटरी आपको, इसको ट्रेन भी चलती है, उसको भी आप बुक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बिल्कुल हरा भरा भरा है ये, सब बातें देख लेंगे। ठीक है, जो ये जो रहते हैं आपके अटेंडेंट, वो एक तरह का गाइड का भी काम करते हैं, उनको पूरा खबर है कौन जानवर कहाँ पे भी है। तो ज़रूर इन लोग को आप बुक कीजिए, तो उससे आपको बहुत सहूलत हो जाएगा, वरना खुद ब खुद बहुत बड़ा है और आप घूमते ही रह जाइएगा और मतलब सारा जानवर शायद ना घूम पाए। इसलिए जंगल के राजा शेर के बाद सबसे पहले हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत ही घने जंगल में उसको रखा गया है। देख लीजिए, जैसा कि बता दिया, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रिजवान ने बता दिया है हम लोग को। चलिए शेर के बाद पहुंच गए। यही लाइन वहां पे है, यही लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग जंगल के राजा शेर के पास पहुंच चुके हैं और इसकी दहाड़ जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में मशहूर है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और सारी जानकारी शेर के मुताबिक ले सकते हैं। आप देखिए सामने वहां बैठा हुआ है शेर, इस वक्त सुस्ता रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे मौसम में शेर जो है अभी सुस्ता रहा है वहां पे सामने में।
तो जब भी जू आइए शेर को देखना ना भूलिए, ताकि जो थ्रिलिंग है, जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। तो शुरुआत हम लोगों ने शेर से किया है, लेकिन अभी रॉयल बंगाल टाइगर्स जो इस पॉपुलर इस जू का बहुत ज़्यादा फेमस है उसको भी देखते हैं, और वाइट और नॉर्मल टाइगर्स भी यहाँ मौजूद हैं। आइए और हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कैप्चर करने की कोशिश, और एक बड़े से पिंजरे में बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसको रखा गया है, और इसकी दहाड़ पूरे जू में सुनाई देती है। फ्रेंड्स अगर देखा जाए कितना पड़ेगा इसे, जल्दी से हम देख के आते हैं। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं वाइट रॉयल बंगाल टाइगर के पास, जो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है, बहुत पॉपुलर है ये जू इस वाइट टाइगर की वजह से। आप देखिए ऊपर चल रहा है इस वक्त, बहुत ही जबरदस्त सीन। यहाँ पे नॉर्मल टाइगर भी है और वाइट टाइगर भी है, जो आमतौर से ठंडे इलाके में पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स भी लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ही खूंखार टाइगर है ये, बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे भी देख लीजिए टाइग्रेस, एक और नॉर्मल बंगाल टाइगर भी देख लीजिए, इसको भी जूम कर लीजिए, जो नॉर्मल इंडियन टाइगर है वो भी देख रही है आपको वहां पे। मंकी कहाँ है सिद्धि, देख रही है यहाँ पे टाइगर, नॉर्मल टाइगर भी दिख रही है, टाइग्रेस है गालिबन। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर ही है। इंडिया में जो है आमतौर से ये इसको जो है बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। बात तो सही है। वहां देखिए पीछे की उधर, वहां दिखा आपको सामने टाइगर चल रहा है, देखा आपने, देखा वाइट टाइगर है कि नॉर्मल टाइगर है। तो फ्रेंड्स ये है रॉयल बंगाल टाइगर जो आप देख रहे हैं, इंडिया नेपाल भूटान वगैरह में भी पाया जाता है, और इसका नाम जो हो गया वो है पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस जो है कार्निवोरस एनिमल है, इसका एक बैरियर बनाया गया है ताकि वो टाइगर जो है छलांग जो है लगा के इस पार ना पाए, और इस तरह का प्रोटेक्शन के लिए जो है मजबूत ग्लास इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब देख लीजिए जाली वाली लगा दिया गया है ताकि विजिटर्स जो है वो आमतौर से सेफ्टी के साथ जो है टाइगर की हरकतों को देख सके। शुक्रिया। और वो भी यहाँ पे आपको पटना जू में देखने को मिल जाता है, दो भालू यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उसके बारे में डिटेल्स जो है भालू के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप चाहिए तो पढ़ भी सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है जिसको पटना जू भी कहते हैं, आपको देखने को मिल जाता है। देखिए बहुत ही खूंखार जानवर है, भालू को भी हल्के मत लीजिए, इसके लिए भी ये पूरा बैरियर बनाया गया है पानी का ताकि इस पार ना आ जाए, और सेफ्टी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक ये हो गया, इसके अलावा आगे में भी भालू है, जल्दी से आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए वहां पे आराम कर रहा है, ये थोड़ा एक्टिव भालू है, ये सब भालू बहुत एक्टिव है, ऐसा लग रहा है सर्कस का करतब दिखा रहा है बिल्कुल, लेकिन ये ओरिजिनल भालू है। और उसके अलावा एक भालू वहां पे लेटा हुआ है, बिल्कुल आदमियों की तरह हरकत करता है, इसका खेलना कूदना आप देख सकते हैं। वहां पे एक बेल भी रखा गया है जिसमें से पानी वगैरह पीता है, मछली वगैरह इसका फेवरेट है, यानी कि ये भी एक तरह का कार्निवोरस जानवर ही है। तो बहुत मजा आ रहा है, जब भी आप यहाँ पे आइए तो देखिए, और भालू के ठीक अपोजिट में ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, आइए इसको भी देख लेते हैं, इधर है ना भाई। देखिए जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये जमीन में अपना मुंह छुपा लेता है, ये है, और इसकी स्पीड वगैरह भी बहुत तेज है, बहुत तेज दौड़ता है, कई जगहों पे कई मुल्कों पे लोग इसकी सवारी वगैरह भी करते हैं, कई फिल्मों में भी इसको दर्शाया गया है। पक्षी ही है, पक्षी कैटेगरी में ही आता है, बर्ड कैटेगरी में आता है जानवर, शुतुरमुर्ग है पक्षी कैटेगरी में, इसके बारे में सारी जानकारी दिया होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं जिसको इमो कहा जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ पे वो जानवर आपको देखने को मिल जाता है, देख लीजिए, अच्छा चिड़िया है, बड़ी चिड़िया है, बड़ी चिड़िया के नस्लों में ये आता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आमतौर से पाया जाता है, 5 फुट की लंबाई चौड़ाई होती है, तो इमो हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट जानवर की तरफ। इसके अलावा देखिए अभी हम लोगों ने बुक कर लिया है, मोहम्मद रिजवान यहाँ मौजूद है जो गाइड का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ में अटेंड भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, तो आप गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रेन बुक कर सकते हैं या फिर पैदल भी सवार कर सकते हैं। हम लोगों को टाइम कम है और पूरा जू घूमना है, इसलिए हमने पूरा गाड़ी ही जल्दी से रिजर्व कर लिया है, बहुत मजा आ रहा है, तो जरूर रिजर्व कीजिए, शुक्रिया। तो हम लोग पक्षी वाले इसमें आ गए हैं, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ पक्षियाँ आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें इंडिया का जो नेशनल बर्ड है मोर वो भी है, उसके अलावा ईगल और ये सारे जानवर। देखिए लेडी सबसे स्टार्ट करते हैं, पिजन लेडी एमरेस्ट से वहां पे है बैठी हुई पक्षी, ये देख लीजिए लगभग 2 या 3 रंग में है। और अब आते हैं नेशनल बर्ड जो इंडिया का है, यानी कि पीकॉक के पास आइए,
मोर ये मेघल से मोरनी और मोर दोनों ही हैं, लेकिन पंख उनके फहराए हैं बरसात वगैरह के मौसम में जो है सावन के महीने में ये बहुत ही खूबसूरत वो पंख वगैरह फैलाता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखिए देख लीजिए आइए मोर टहल रहा है घूम रहा है और इंडिया का नेशनल ये बर्ड है। कितना खूबसूरत ये मोर नहीं है गालिबन, क्योंकि मोर अपने लंबे टेल की वजह से पहचाना जाता है और जो टेल उसका लंबा होता है तो उसकी वजह से मोर को पहचान जाता है। ये मोरनी है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, दो मोरनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हम लोग बर्ड सेक्शन में घूम रहे हैं, चिड़ियों का सेक्शन जो है उसमें। आइए आगे देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ये चिड़िया है, शिकारी चिड़िया है, ये चिड़िया है लेकिन ये शिकार करके जो है अपना भोजन ग्रहण करती है। चील इसको कह रहे हैं, देखिए चील का कॉमन नाम जो है काइट कॉमन। ये भी एक तरह का सीगुल है, मछली का शिकार उकार करता है, लेकिन देखिए कितना गर्मी में एंजॉय कर रहा है पानी को। ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा बहुत लोग को देखने को मिल गया। डियर तो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर, हाँ ये स्पॉटेड डियर है, चलिए देख लिया। ठीक है देख लीजिए इसको भी। ठीक है हाँ बारह सिंगा भी देख लीजिए कहाँ गया, अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखा बारह सिंगा तो खैर इसी में है। सिंगा और स्पॉटेड है जो डियर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वाओ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जेब्रा यहाँ पे, और इसकी खासियत इसी के नाम पे जो है जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। बिल्कुल क्रॉस क्रॉस इसकी पहचान है। वैरायटी ऑफ मुख्तलिफ जानवर जो है पटना जू में इस बार रखा गया है ताकि आप जरा भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। सही पकड़े हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ये पानी में मगरमच्छ की तरह तैरता हुआ ये दरियाई घोड़ा है जिसका घोड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही भारी भरकम जानवर है दरियाई घोड़ा, पूरे जाल से घेर दिया गया है इसको ताकि आप सेफ्टी के साथ जो है एंजॉय कीजिए और पानी वगैरह सब देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा निज़ाम है पटना जू में, सारी चीज़ आपको इस बार देखने को मिल जाती है। इसको गर्मी बहुत लगती है इसलिए अक्सर वक्त जो है ये पानी में ही गुजारता है। देख लीजिए आप साहिल जिसके पूरे जिस्म में जो ये कांटा है ये कांटे से जो है अपना सुरक्षा करता है, दुश्मन को जो है लड़ता है उसी कांटों से। आप देख सकते हैं जब ये खतरा भागता है तो चाहो अपने आप को बिल्कुल ऐसी तरह से फोल्ड कर लेता है कि बिल्कुल जो है कांटा चारों तरफ होता है ताकि कोई इसको टच ना कर सके, यहाँ तक कि शेर को भी इसको टच करने में दुश्मनी पेश आती है। इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लैक बक के इस पे, आप ये देख सकते हैं ये भी एक तरह का काला हिरन है जो बहुत ही ज्यादा नायाब है। आप देखिए दूर पे बैठा हुआ है जहाँ सफेद हिरन और काला हिरन दोनों आपको दिख जाएगा। देखिए वहाँ ये देख सकते हैं आप काला हिरन, तो पटना जू को बिल्कुल भर दिया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से नज़ारा आपको देखने को मिल जा रहा है। जब आप पटना जू में आएंगे तो एक पल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ठीक है अगर आपको बोटिंग का शौक है और आपके पास टाइम है फ्रेंड्स तो आप बोटिंग के लिए भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। जिराफ के बारे में सारी जानकारी भी आपको यहाँ मिल जाती है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं जिराफ वगैरह। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जिराफ देखने को मिल जाता है, खुली आंखों से देखना आसान है लेकिन कैमरा शायद उसको नहीं पकड़ पाए, मोबाइल का कैमरा काफ़ी दूर है। और जिराफ जो है अपने लंबे गर्दन की वजह से जो है ऊंचे पेड़ पौधा का जो है भोजन करता है और फाइट में भी ये लोग अपने गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा पैर वगैरह का भी इस्तेमाल होता है लेकिन काफ़ी दूर है और शीशे के ग्लास से प्रोटेक्ट कर दिया गया है ताकि विजिटर्स अंदर नहीं जाए। कुछ भी है तो खतरनाक जानवर है, ये तो जबरदस्त है। गेंडे का जो सीन है फ्रेंड्स वो देखने लायक है, सबसे जबरदस्त नजारा गेंडे का आपको देखने को मिल जाता है। ये गेंडा जो है अपने मजबूत चमड़ी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है और कहीं असम वगैरह में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह में वहाँ पे एक सिंग का गेंडा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सिंग नहीं है ये, लेकिन ये गेंडा का शानदार नज़ारा
मैं तो फर्स्ट टाइम पटना जू में देख रहा हूँ। इस बार जो है बहुत ही अच्छा कलेक्शन जो है पटना जू में देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे दो गेंडा नर और मादा गालिबन आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। पटना जू में आइए तो गेंडा ओंडा को देखना जरूर एकदम ना भूलिए। आपको देखिए देखने से लग रहा है कि बिल्कुल बुलेट प्रूफ कवरिंग से जो है अपने बॉडी को इसने कवर कर रखा है। कई परतों में जो है इसका जिस्म को ऐसा बनाया गया है। गेंडे का चमड़ा जो है बहुत ही मजबूत होता है और इसको आसानी से कोई जो है भेद नहीं सकता है। इस चीज़ के लिए गेंडा बहुत मशहूर है। पटना जू में ये भी आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही शानदार नज़ारा। फिलहाल हमने गेंडा देखा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी आप आइए पटना जू में तो गेंडा को देखना जरूर ना भूलिए। दो जोड़ा मतलब एक जोड़ा गेंडा वहाँ मौजूद है, नर और मादा। पटना जू में इस बार जो है बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। ये देखिए शानदार नज़ारा गेंडे का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग हाथी के जो इलाका है उसमें पहुंच चुके हैं। हाथी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है और आइए देखते हैं हाथी को इस तरफ। आजी उसी जल्दी आओ। ये देखिए फ्रेंड्स शानदार जंबो हाथी। हाथी जो है जमीन का सबसे बड़ा जानवर है और ये शाकाहारी है और आमतौर से जो है पालतू भी है। इसको डोमेस्टिकेट भी किया जाता है। साउथ इंडिया में हाथी की पूजा वगैरह भी बहुत धूमधाम से की जाती है, इसके ऊपर फेस्टिवल वगैरह भी लगता है। और जो हमारे बिरादरान वतन है उनके भी हाथी बहुत ही ज्यादा पाक जानवर है, तो वो लोग उसका बहुत केयर वगैरह भी करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी बहुत ही शानदार में एक बड़े से इलाके में हाथी जो है घूम रहा है और इसका अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। हालांकि अभी ये छोटा है, आप देखने को लग रहा है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसके बावजूद देखने में शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है हाथी प्यार की जो है जू लास्ट हो जाता है और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ से हाथी का एक सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, दूसरे सेक्शन में चलते हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है फ्रेंड्स, आप थक जाते हैं, आपको एंजॉय करना है। रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए कैंटीन बना हुआ है जहाँ पे आप आइसक्रीम चॉकलेट या स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं कुछ भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंतजाम है कैंटीन वगैरह में। ऊपर में भी देखिए पूरा कैंटीन बना हुआ है। ये सारी चीज़ आपको पटना जू में ही देखने को मिल जाती है। देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरी फैमिली के लिए जो है पूरा पिक्चर स्पॉट है। पूरा दिन ले जाइए तब भी आपको वक्त जो है कम पड़ेगा। आइए तो गाड़ी जरूर बुक कर लीजिए, उससे आपको सहूलत हो जाती है, आपको आसानी होगी। और बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। गाड़ी के जो अटेंडेंट होते हैं ये लोग एक तरह से गाइड भी होते हैं, इनको सारा ही नॉलेज होता है। साथ करें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है घड़ियाल एलिगेटर वगैरह देखने को मिल जाता है। बिल्कुल स्टैचू है, पत्थर की तरह है, जरा भी नहीं हिल रहा है, लेकिन ये इसकी चाल है, एकदम स्टैचू रहता है। और जब मछली इसके करीब ना आती तो उस पर ये बहुत ही तेजी के साथ हमला करता है। आप देख लीजिए सब स्टैचू की तरह बिल्कुल पड़े हुए हैं, लेकिन ये ओरिजिनल घड़ियाल है, बल्कि एलिगेटर है। घड़ियाल का मुंह जो है थोड़ा लंबा होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हर तरफ पूरा फैला हुआ है ये, और यहाँ पे पौड़ में जो है मछली वगैरह भी तैल रही है, यानी कि उनका चारा ही है जिसको ये लोग शौक से खाते हैं। इसके अलावा भी जो छोटी बड़ी पक्षी है, मुर्गी बत्तख, ये सब पे भी ये अटैक कर देता है। यहाँ पे मछली को भी रखा गया है ताकि घड़ियाल का पेट भर सके। और बहुत सारे घड़ियाल एलिगेटर यहाँ मौजूद है, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ज़बरदस्त। इसको भी शूट कर लिया है, बिल्कुल एकदम स्टैचू मुंह खोल के वेट कर रहा है अपने शिकार का। काफी भारी भरकम जानवर है एक तरह का, देखिए इसको रिप्टाइल्स कैटेगरी में ये आता है, लेकिन ये छिपकली की कैटेगरी में जरूर आता है, लेकिन बहुत ही बड़ा जो है रिप्टाइल है, रिप्टाइल्स में सबसे बड़ा ही है ये आज के दौर में। एलिगेटर घड़ियाल वगैरह, इंडिया का घड़ियाल मशहूर है एलिगेटर, ये सब चीज़ है। तो बना हुआ है पूरा कॉरिडोर है जिसमें आप जाके एलिगेटर घड़ियाल वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अजी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये भी एक पिक्चर पॉइंट है जहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं अपने आप को पायलट तस्वीर करते हुए। देख लीजिए ये शानदार एक मिनी जेट है जिसपे आप फोटो वगैरह ले सकते हैं इस तरह का। बस का पुराना जो स्टीम इंजन था जिसपे लोग अक्सर शूटिंग में भी इस्तेमाल होता है इस तरह के। देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसा इसमें आ रहा है ये सांप घर में भी हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सांप वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम स्नेक हाउस में पहुंच चुके हैं जिसको आप हिंदी में सर्व गृह भी कह सकते हैं, और एंट्री एग्जिट फिलहाल यहीं से अभी चलते हैं, देखते हैं कि अंदर में कौन कौन से स्नेक्स हैं। इंडिया में बहुत मशहूर है कोबरा वगैरह, अनाकोंडा वगैरह, नाग वगैरह। तो आइए लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस स्नेक हाउस। सबसे पहला आपकी जो नजर पड़ती है वो है कोबरा पे, देखिए बहुत ही जहरीला सांप है ये कोबरा। देखिए फ्रेंड्स ये कोबरा के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और गालिबन ये उसका चैम्बर हो गया कोबरा का, कहीं दिख रहा वहाँ, देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है, छुप छुप के बैठा हुआ है।
फ्रेंड्स यहाँ पे डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है, यानी कि कौन से काम करने के हैं और कौन से काम नहीं करने के हैं। तो जब भी आप आइए तो इन सब चीज़ का ख्याल रखिए कि खुदा न खास इन केस ऑफ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे हाल में कौन सा फर्स्ट एड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट वगैरह सब बताया गया है यहाँ पे, तो उस पर पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि जो बताया गया है उस तरीके से आपको डील करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी, कौन से जहरीले होते हैं और कौन से नॉन वेनमस स्नेक होते हैं उसके बारे में भी दिया गया है। इस तरह से पूरा ये चैम्बर बना हुआ है, पूरा गैलरी है जिसमें एक से बढ़कर एक स्नेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं जो पूरा इंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, और स्नेक्स के बारे में आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ देखिए बॉय स्नेक, देखिए देखो सीधी सीधे देखो स्नेक, देखो देखो जल्दी से देखो, वो है स्नेक है। बिल्कुल लाइट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप बैठा हुआ है, और गालिबन कोई शिकार को भी लिया हुआ है, खरगोश वगैरह को अपने मुंह में दबाया हुआ है, कुछ कर रहा है, देख रहे हैं अजगर ही है, अजगर का ही एक अजगर है, देखिए ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल चबूतरे पे अजगर बैठा हुआ है, बहुत ही बड़ा जानवर, बहुत ही बड़ा ये सांप है, कई फीट लंबा होता है। इसका ये नाम भी है पाइथन मोलारस करके नाम है, अजगर हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे एक मुर्गी भी रखा हुआ है, जब भूख लगेगी तब उस पर अटैक करके वो उसको खा जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका आम शिकार मुर्गी चूहा ये सब को ये सब बहुत शौक से खाते हैं। दो स्नेक है यहाँ पे, दो अजगर आपको देखने को मिल जा रहा है, ये मुर्गी भी देखिए आप टहल रही है, जो उसका शिकार कभी भी बन सकती है। आइए यहाँ पे एक धामिन दिखाते हैं, ये है धामिन, इंडिया का एक पॉपुलर स्नेक है, इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और धामिन जो है आपको कौन से अटैक करती है तो उसके बारे में देखिए, यहाँ पे धामिन वहाँ पे कोने में कहीं पे है शायद, देखिए वहाँ पे कोने में टब के पीछे है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा इस पे आ जाइए फाइनल, ये भी एक अजगरी है, अजगरी का नस्ल है, देख लीजिए यहाँ पे, वहाँ पे एक गुफा में बैठा हुआ है, आपने कुंडली मार के बैठा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा एक यहाँ पे कोने में रहा है, ये बिल्कुल मुर्दा है लेकिन ये जिंदा है और एकदम हाथ लगा के बैठा हुआ है, और कभी भी ये एक्टिवली अटैक कर सकता है, अजगर के साथ ये खासियत है, देख लीजिए बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है, बहुत ही खतरनाक जानवर है ये। So this is all about today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।